माननीय हरविंदर सिंह लवली जी के निर्देश पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे, अभी हम लोग पुश करेंगे। यूपी सरकार की बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है भंग हो, और उत्तर प्रदेश सरकार एक खुलेआम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखनऊ जाते हैं और उनके खुलेआम 14 लोग या 20 लोग उसमें हमला करते हैं और वो लोग आज छठा दिन है आजादी से घूमते हैं। ये तो लोकतंत्र पे तमाशा है, सीधा सीधा आरोप यूपी सरकार पे है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, राजनाथ सिंह घबरा गए थे हसन अहमद के लोकप्रियता को देखते हुए, और हसन अहमद वहां पे मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ आ जाता है उसको देखते हुए उन्होंने हमला कराया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको क्या लगता है इस तरीके के हमले, मतलब कभी बीजेपी पे कोई हमला नहीं हो रहा, ज्यादातर या तो कांग्रेस पे ही हो रहे हैं। कांग्रेस के लोग क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हैं, वो एक अपील कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता का माहौल बनाना चाह रहे हैं, ये हमारी आवाजों को दबाना चाह रहे हैं, उसका नतीजा ये। सबसे ज्यादा हमले आम आदमी पार्टी में है, कल उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कोई भी अहिंसा पहले की, कोई भी हिंसा पहले की हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके गुंडे और राजनाथ सिंह का आरोप है।